जय माता दी ऑल। और आज हमारे इस वाह सेशन में हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक रैंक नंबर 9 इन द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जून 2023 एग्जाम, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी कंपनी लॉ के पेपर में पास कैसे होना है। और सब बच्चे दुखी थे सर, न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया। वो 12-13 पेज का क्वेश्चन पेपर और केस स्टडीज भरी हुई थी। और उस पेपर में भी कुणाल ने बहुत बढ़िया स्कोर किया यार। और कुणाल, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको, थैंक ऑल इंडिया रैंक 9 यू द सर, सीएस थैंक यू, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और थैंक अब यू मैं सर। कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे, बच्चों को गाइडेंस ओके देनी है और सर, कंपनी लॉ के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करना है। तो कुणाल ओके फर्स्ट सर, प्लेस ओके, यस स्टूडेंट फॉर कंपनी लॉ एंड एसयूबी पेपर। और कुणाल सर, ने और पेपर्स और जगह से भी पढ़े, लेकिन मेरे साथ कंपनी लॉ और एसयूबी किया। और मैं यस तो सर, तहे दिल से यार सबसे पहले ये मानता हूं कि हम टीचर्स का कंट्रीब्यूशन ना थोड़ा थोड़ा होता है, पेपर तक लिमिटेड जी होता है। एक दो पेपर में कंट्रीब्यूशन मेरा है, कुछ किसी और पेपर में किसी और टीचर का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है मम्मी का, पापा का, फैमिली का, सबसे जी जो सर, दिखता नहीं है ना, जो इनविजिबल होता है, यस सर, यस लेकिन सर, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है, मम्मी पापा का यस सर, कॉन्ट्रीब्यूशन। और बचपन से हाँ लेकर जी यहाँ तक सर, पहुंचाया। तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन आपसे पहले, थैंक यू सर, और उनकी फिर तरफ से आपको भी, आपको यस कॉन्ग्रेचुलेशन। अब yes, कुणाल आप थैंक यू बताओ, सर, सर, कंपनी लॉ के पेपर में स्पेशल ज्यादा बात करेंगे क्योंकि बच्चों को डर लग रहा है आजकल कंपनी लॉ से। ओके सर, ओके, तो ओके आप सर, शुरू हो जाओ, मुझे बताओ जरा क्या एक्सपीरियंस रहा कंपनी लॉ के अंदर आपका, और कैसे पढ़ाई कैसे शुरू की। और अगर मुझसे पहले, मेरे से मतलब जो आपने पढ़ना शुरू किया उससे पहले खुद भी पढ़ा है थोड़ा सा, वो भी बताना, फिर मुझसे जो पढ़ा वो बताना, जरा एक्सप्लेन करो। ओके सर। सबसे पहले कहूंगा थैंक यू आपको कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया रूम में, एंड अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी जर्नी, एग्जीक्यूटिव जर्नी में मुझे सपोर्ट किया फुल। ये नहीं कि मैं मना कर देता, उनको मना कर देता काम करने से, बट तब भी उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया। मैं हमेशा स्टडी में ही बिजी रहा, क्योंकि मैंने ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी मतलब साथ उन्हें बुलाना ही छोड़ दिया था। मतलब कितना कह सकता, मैं 1 साल तक एक सेल में था, ना किसी से बोला ना कुछ, बट हाँ किया कि लगता है कि हाँ जो इतनी मेहनत की है उसका मुझे फल मिल चुका है। सर यह कि बस थैंक यू कहना सेक्रीफाइस किए, चाहूंगा, सैक्रिफाइस मेहनत भी की, सेक्रीफाइस किए, भी किया, फल सैक्रिफाइस भी किए बहुत सर, भी उसका फल सैक्रिफाइस तो मिला। देखो सैक्रिफाइस देखो सर करने ही पड़ते हैं, तभी जाके कुछ मिलेगा आगे लाइफ में, वरना सैक्रिफाइस के बिना कुछ नहीं हो सकता। बट सर अगर मैं सबसे पहले देखा हूँ तो मैंने एक जगह से पहले भी क्लासेस ली थी, अच्छा, बट वहां मतलब कुछ नहीं मिला मुझे खास। लेक्चर लेक्चर के नाम पे सर उन्होंने रीडिंग करके मुझे सुना दिया था, कुछ खास नहीं था उनके लेक्चर में। हम किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, मतलब हाँ जी सर, वो एक मेंटेन करेंगे, आपने जिसका भी मतलब उसका नाम नहीं लेना। अब डिफरेंस बताओ, आपने कंपनी लॉ पहले जहां जो भी पढ़ा था और फिर मुझसे पढ़ा, तो क्या फर्क लगा? बट सर पता चल जाता, वो सिर्फ रीडिंग करके आगे निकल जाते कि देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, बस वो निब्बा निब्बी वाली कहानियां सुनाने लग जाते थे, अगर कोई भी एग्जांपल देना हो केस लॉ की जगह। सर डिफरेंस दिखते हैं ना, जैसे कि जब कंपनी लोग पढ़ रहे हो तो आप अगर आपसे पढ़ो तो जैसे कि आपसे पढ़ रहा हूँ तो आप एक अच्छे केस लो के थोड़ा ले जाते हो केस लो की तरफ, कि हाँ देखो ये केस में ऐसा हुआ था। वो कहते कि दो देखो, दो एक लड़का एक लड़की है, ये देखो ऐसे मिले ये, फिर वो अलग ही चीज चल रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, फिर देन के करते हैं मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे पता था मैंने दिसंबर में 2021 में दिया था ये कहते हैं अपना अटेम्प्ट फर्स्ट मॉड्यूल का, बट मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा इसके अंदर। फिर हाँ मैंने पढ़ना शुरू करा बोथ मॉड्यूल के लिए, दिसंबर 2022 का मेरा था अटेम्प्ट, बट मैं उसके लिए पढ़ता गया। बट हाँ ओके, आपके लेक्चर्स एंड, बट ये कि सर ऐसे आपसे पढ़ा है कंपनी लो एंड एसबीसी, तभी जाके उसमें एसबीसी में एग्जेम्पशन आ सकी मेरी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब ऑब्वियसली एसबीसी में भी एक पार्ट कंपनी लॉ का है ही यार, जब हम प्राइवेट यस सर, यस, कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी डेफिनेशंस कर रहे होते हैं। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, मेरी मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है पब्लिक यस सर, कंपनी यस, का डेफिनेशन का, यस होल्डिंग सर, सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी, मैंने तो यूट्यूब पे खुले यस में दिया सर, है। यस, यस सर, आपने यस, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी 3 घंटे कोई पूरे इंडिया में नहीं पढ़ाता होगा, कोई नहीं पढ़ाता था, होल्डिंग कोई सब्सिडियरी पढ़ाता ही कंपनी का नहीं, डेफिनेशन कोई भी यस नहीं सर, पढ़ाता होगा पूरे इंडिया में। तो वो हाँ तो जी, मेरी मेरी थोड़ी सी बुरी आदत है मेरी, मैं थोड़ा सा डिटेल में हाँ ज्यादा पढ़ाता हूँ, परेशानी होती है तो जी, देखकर। ना सर वो आदत हमारे लिए अच्छी है, मेरे जैसे के लिए, जैसे पढ़ने की आदत है। अच्छा, तो मैं डिटेल में पढ़ने की आदत है। यस सर, मैं डिटेल की भी यही बात करूँ कि कौन डिटेल पढ़ा रहा है, बस वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। अच्छा, जो ज्यादा डिटेल में पढ़ाए, ज्यादा लंबा लंबा पढ़ाए, उसी से वही पढ़ाना है। अच्छा है, नहीं, बच्चे बाकी तो तो सर वही आजकल है ना, उल्टा बस बोलते हैं, बच्चे तो आजकल उल्टा बोलते हैं, शॉर्टकट में चाहिए, छोटा चाहिए, डिटेल सर में चाहिए। शॉर्टकट, नो सर शॉर्टकट, बल्कि अगर बात करूँ सर आपसे इतने ड्यूरेशन मतलब लेक्चर पढ़ने के बाद में अपनी भी सेल्फ स्टडी में बहुत टाइम दिया, मेरा हमेशा से यह था कि अगर करना है तो पहले सेल्फ रीड करना जरूरी है, वरना रिवीजन उसके बिना रिवीजन नहीं कर सकते तुम।
अगर तुमने सिर्फ लेक्चर देख लिया फिर उसके बाद तुमको रिविजन करूंगा ना, पहले सेल्फ रीड तो जरूरी है एक्चुअली, सबसे जरूरी मेरे को लगता है सेल्फ रीड है कि हाँ तुम एक बार खुद से पढ़ने बैठते हो जो तुमने लेक्चर देखा उसके अलावा और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हो कि कुछ रह तो नहीं गया। बिल्कुल सही मुझे बात, लगता है कि हाँ वो चीज है कि करना चाहिए हर स्टूडेंट्स को। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो इंस्टीट्यूट को बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा इतना मोटा है, डरो मत, यस वो तो सर, जरूर पढ़ना चाहिए यार। क्यों मैंने तो हर सब्जेक्ट के लिए सर मॉड्यूल को ही फॉलो करा था क्योंकि मेरे को ये लगता था कि अगर आते ही भाई? में सर वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज तो वो काट ही देते हैं, जो मतलब थोड़ी होती है टफ तो वो उसको हटा ही देते हैं ताकि उनको खुद ना पढ़ाना पड़े। आप किसी का नाम नहीं लेंगे मतलब, लेकिन तुमने पते की बात बोल दी कि शॉर्टकट नोट्स में सर ऐसे ही होता है, और तुमने यस सर, शॉर्टकट यस नोट्स भी देखे हैं, कंपनी लॉगे कैसे वाले होते हैं, और जी सर, यस सर, आईसीएसए वो फ्लो मॉड्यूल भी चार्ट जो आप देखा है। बनवाते हो, चलो वो यस तो कल सर, ही देख चुके थे तुम। तो हाँ अब जी मुझे बस एक एक चीज बताओ यार, कंपनी लॉ का पेपर जब तुमने जी मतलब सर। ना पढ़ाई की, कितनी रिविजन्स की थी एग्जाम में जाने से पहले? सर मैंने पार्ट भी मतलब अगर लास्ट टाइम भी जैसे आपने भी लेक्चर लिया था लास्ट टाइम भी मैराथन, बट मैंने उसे प्रेफरेंस की कि हाँ यार मैंने पहले पढ़ रखा है बहुत बार, तो इस बार मैंने करा क्या, मैंने लास्ट टाइम भी 6 to 8 आवर मैंने पार्ट बी को ही दिए थे, वो भी डायरेक्टर को, अच्छा, मैं सिर्फ उसी को करता जा रहा था, मुझे पता था कि आएगा जरूरी है, यही आएगा, इसी मैंने को करते भी हैं। एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले रात को 7 घंटे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जूम मीटिंग पढ़ाया था, 7 आवर्स का सेशन था, सिर्फ यही पार्ट बी बट वही है सबमिट। सर, मैंने स्टार्टिंग में देखा भी था वो, मैंने मुझे याद है कि मैं 5 बजे तक बैठा था आपके लेक्चर में, उसके बाद मुझे लगा कि यार अब थोड़ा टाइम हो रहा है मुझे और कुछ करना चाहिए, मैं तो पहले पढ़ चुका हूँ, बल्कि ये थोड़ा बहुत होता है ना कि जिन जिन स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस मतलब वही होते हैं कि देख रहे होते हैं कि चलो देख लेते हैं, बिल्कुल फिर मैं देख रहा था देख रहा, हाँ फिर था कि मैंने अच्छी खासी रिविजन ली थी, बट ये था कि जो रिविजन मैंने एंड मोमेंट पे करी थी वो एग्जाम में काम आई क्योंकि क्वेश्चन मतलब आए मुश्किल थे कंपनी लॉ में, तो केस डायरेक्टर भी स्टडीज ऐसा आई थी आया इस था। बार, तो सारा केस स्टडीज था। और एक्चुअली हुआ क्या कि केस लॉ देख के याद आ रहा था कि हाँ भाई इसमें लिखना, और मैं पॉइंट टू पॉइंट ये लिखता जा रहा अच्छा था। अच्छा मुझसे बाद में स्टूडेंट पूछे कि क्वेश्चन कैसे करा, बट मैं कहा भाई मुझे तो आता था। इस बार मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे कि सर क्वेश्चन पेपर देखकर हमारा दिमाग ब्लैंक हो गया था, ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आए मेरे पास कि सर क्वेश्चन पेपर देखकर हमारा दिमाग ब्लैंक हो गया था, समझ ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ से लिखना शुरू क्या करें, सर, क्या लिखें, ऐसे वाले व्हाट्सएप मैसेजेस मैंने रिसीव किए। अब मैं बच्चों को यस यही सर, समझा रहा था कि यार अगर आपने मेरे साथ फुल वो 280 300 घंटे कंपनी लॉ पढ़ा है वो यस सर, तो यस ठीक है, मतलब आपने फुल डिटेल वाला पढ़ा है, आईसीएसए मॉड्यूल यस सर, पढ़ा है और फुल डिटेल पढ़ा तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचोगे आपने कहीं से शॉर्टकट नोट्स पढ़ लिए और लास्ट टाइम पे सिर्फ, मेरी भी ऐसे बच्चे होते हैं यस जो सर, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख रहे होते हैं और सिर्फ यस सर, खाली यस थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से फटाफट वाली कर ली और डेप्थ में यस घुसे सर, नहीं, और सिर्फ वो अपने पुराने जो टीचर्स जिनसे पढ़े थे सिर्फ उनके शॉर्टकट नोट्स पे भरोसा करते रहे, तो बहुत तकलीफ यस हुई है बच्चों को, सर, बहुत यस तकलीफ हुई है। और मतलब क्या कहूँ, बच्चों का क्या कसूर है और टीचर्स का क्या कसूर है उसमें नहीं जाते, लेकिन मतलब तुम्हें क्वेश्चन पेपर देखकर समझ में आ रहा था सब बढ़िया से। यस सर, पहले अच्छा जैसे कि अच्छा क्या मैं एक बोलूँ चीज और पूछ रहा सर, हूँ, 3 घंटे के अंदर पहले क्या अटेम्प्ट किया, बाद में क्या अटेम्प्ट किया? बट सर पहले जैसे ही मैं था कि सब कहते हैं पार्ट सी पहले करना चाहिए वो थोड़ा इजी आता है, मैंने पार्ट सी खोला तो मुझे लगा यार थोड़ा, मुझे लगा कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं सोया नहीं था पूरी रात को एग्जाम अच्छा के डर से, अच्छा फिर मैं अच्छा सोया नहीं था, फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या, फिर मैंने पार्ट ए देखा, मैंने क्वेश्चन देखा, पहले मैं सोचा छोड़ इसको पार्ट भी तो मुझे अच्छे से आती है वो करते अटेम्प्ट, फिर मैं जैसे पार्ट भी खोला उसका पहला क्वेश्चन था, देखते ही बन गई कि हाँ मैं पूछा क्या उसने, क्वेश्चन बहुत बड़ा था बट मैंने एक बार रीड मारा मुझे समझ आ गई हाँ ये चीज लिखनी है इसमें, फिर मैं करता गया करता गया, मेरा पार्ट भी पूरा कम्प्लीट हो गया, फिर ना कॉन्फिडेंस आ जाता खुद में कि हाँ इतना तो हो ही गया जिससे मुश्किल चीज है, फिर ठीक। उसके बाद मैंने पार्ट ए करा उसके भी क्वेश्चन बनते गए एंड देन पार्ट सी करा, बस हाँ थोड़ा होगी ठीक। एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाया खुद की बट तब भी हो गया। अब सभी पेपर के बारे में एक एक दो दो लाइनें, सिर्फ वर्ड टू ओके वर्ड सर, मतलब ओके पेपर के बारे में, टीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, पेपर JIGL दो लाइनें कुछ जी भी। चले के लिए सर, तो मॉड्यूल रीड सबसे पहले कि मॉड्यूल को जितना हो सके रीड करो, मैं तो मुझे अब तक याद है मैंने जो मेरे को लगता था कि हाँ फेवरेट सब्जेक्ट चैप्टर जो मेरे हैं उसको, जैसे कि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है फर्स्ट चैप्टर में और थर्ड और फिफ्थ में, तो मेरे बल्कि फेवरेट वो वही थे क्योंकि मैं नोट्स खुद के बना लेता था, मेरे हमेशा से नोट्स था कि मैं बुक किस लैंग्वेज में नोट्स लिखता था क्योंकि मुझे पता था कि एंड टाइम पे ये लिख के आना, मुझे काम बढ़िया, तो मेरे बुक किस लैंग्वेज ही आएगी, नोट्स पे काम किया, हाँ खुद नोट्स पे सेल्फ बहुत काम नोट्स किया बनाए। मैंने। SUB एसयूबी के लिए सर अगर बोलूँ तो पार्ट सी, पार्ट सी को मैंने कम से कम नाना करते भी 6 या 7 रिविजन दी होगी, ग्रेट, हाँ
उसके बाद मुझे पता था कि पार्ट ए आता है, इजी आता है, बट कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते कि समझ ही नहीं आता करना क्या है। इसलिए हाँ मैंने पार्ट बी को प्रेफरेंस दी कि पार्ट बी पहले अच्छे कर दो, क्योंकि चैप्टर भी बहुत कम थे और उसमें आते भी सिर्फ 2 या 3 चैप्टरों में सही थे, तो मैंने उसको प्रेफरेंस दिया। एंड एग्जाम टाइम पे वो बना भी इजी था। एंड पार्ट ए को फिर मैं उसके बाद ज्यादा करा, उसके बाद उसके भी मैंने नोट्स ही बनाए थे, बट हाँ कर लिया था उसको। कंपनी लॉ में कोई नोट्स बनाए थे? अच्छा कंपनी लो में सर नोट्स बहुत थे, जरूरत नहीं पड़ी बट हाँ कि चलो थोड़ी आदत थी, आदत हो गई थी लिखने की, बट हाँ लिखता रहता था, बस हाँ किया कि आपके नोट्स बहुत काफी थे। टैक्स टैक्स के लिए सर हाँ बस अपने थोड़े बहुत लेक्चर जो देख रखे थे, अगर बोल सकता हूँ सर नाम की नहीं। बिल्कुल। तुम्हें यार ना किसी टीचर को अच्छा बुरा ना लग जाए, मतलब तुम ये बोलो जिन टीचर से मैं पढ़ा था उन्होंने कैसा पढ़ाया बस। हाँ, जिन टीचर ने पढ़ा था सर बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, मतलब जैसे कि था कि कहते हो गया बस, या कि मेरे को था, मेरा वैसे भी प्रैक्टिकल हमेशा से स्ट्रॉन्ग ही रहा, तो मुझे अच्छा इसमें ज्यादा दिक्कत होती ही नहीं थी, बस मैं कर लिया उसको, बस बढ़िया गया मेरा बहुत ज्यादा वो टैक्स। बस ये कि उसमें बस ये कि अपना जैसे कि रिविजन देते रहो उसको, बार बार पढ़ते रहो जितना हो सके उसको भी, क्योंकि है ना कि जीएसटी या प्रैक्टिकल इनकम टैक्स किस पे ज्यादा फोकस? दोनों पे सेम फोकस था, बट हाँ मैंने कस्टम नहीं करा था कि वो बहुत अच्छा बस ये बोला वो फिर मैंने करा था 95 खत्म, फिर मैंने कहा लास्ट में जाके उसको भी कर ही दिया था, ज्यादा नहीं, अच्छा क्योंकि फिर होता है ना कि जो ज्यादा आ रहा है उसको करो ठीक है। SLCM जी। SLCM के लिए सर पार्ट पार्ट बी भी जितना हो सके, 30 मार्क्स पार्ट बी एंड सॉलिड कर लिया। 30 मार्क्स मुझे लग रहा था उसके अंदर, मेरे की जितना हो सके मैंने नोट्स सेल्फ नोट्स बनाए थे, एक एक चीज लिखी थी मैंने उसकी, ठीक है एंड टाइम पे वही करके गया था बहुत बढ़िया। सेल्फ नोट्स ने मतलब चमत्कार किया बस सर। एक एक चीज लिखी थी ना सर उसके अंदर मॉड्यूल से देख बिल्कुल। देख के, जो मुझे लग रहा कि हाँ ये आज लग रहा और है ठीक से टीचर्स के बस। नोट्स के साथ साथ टीचर की बुक के साथ साथ SLCM का मॉड्यूल भी किया, ICSI वो मॉड्यूल। तो सर मॉड्यूल तो सर देखो करना ही पड़ता है, बल्कि मैं जैसे कि सेबी की वेबसाइट भी चला था देखने की हाँ वहां कुछ तो लगा कि नहीं, उसके अलग रेफरेंस के लिए अच्छा किसी के एग्जाम में बताना। भी पहले पार्ट बी अटेम्प्ट किया फिर पार्ट ए या नहीं? पहले पार्ट ए पार्ट बी, यस सर, पहले पार्ट बी सर, पहले पार्ट बी पार्ट क्योंकि बी पार्ट बी अटेम्प्ट। इजी आया था, इजी आया था वो बिल्कुल, तो इसलिए पार्ट बी। EBCL एक बड़ी दुखी वाली दुखी होते हैं लोग कि बहुत वाइड है यार, हाँ इतने सारे अलग अलग यस प्रोग्राम, यस कैसे मैनेज करें EBCL? सबसे पहले तो सर देखो पार्ट भी तो देखो हर कोई पढ़ता है, पार्ट भी तो करा ही हाँ करा। एंड देन उसके बाद मुझे था कि मेरा हमेशा से फेवरेट रहा था पार्ट ए, अगर मैं कहूँ तो अच्छा, पार्ट ए मेरा हमेशा से फेवरेट रहा था। मैं पार्ट ए को मैंने ये कम से कम बहुत कम उसके ऊपर बच्चे तीन बोलते हैं रिविजन पार्ट ए फेवरेट रहा था, तुम सर, क्योंकि बोल आदत थी उसकी, पर रहे पता नहीं क्यों, बट मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, बट हाँ फिर यह कि एग्जाम टाइम पे वही काम आया मेरे। बच्चे उसमें डरते हैं, फैमा FTP FDI, हमारा डर खत्म हो गया यस अब। यस सर, ये डर खत्म हो गया। आपके सर लेक्चर भी थे यूट्यूब पे, FT फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, तो बस उससे काम बन गया। अच्छा मतलब मेरा एंड थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन EBCL में भी है। यस यस अच्छा यस सर, फॉरेन ट्रेड थोड़ा पॉलिसी, बहुत FDI, यस सर रिजर्व यस बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी रहे RBI सर वगैरह के। हाँ वो भी यस डिटेल, फुल फुल सर डिटेल्ड लेक्चर, ये फुल क्लास यस लेक्चर ही है वो, यस सर यस कंज्यूमर मैंने वही प्रोटेक्शन देखे एक्ट। थे। अच्छा फिर यस आगे सर बढ़ते हैं। अगला पेपर FMSM। सर, जहां से मैंने क्लासेस ली थी उन्होंने कुछ अच्छा पढ़ाया था, एक एक चीज लिखवा रखी थी, बस एंड टाइम पे वही करके गया, उसमें से हो गया, ठीक है बाकी उसमें प्रैक्टिकल वैसे ही काम मेरा स्ट्रॉन्ग था हमेशा से, बट ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। और CMA सीएमए के लिए भी सर कहते हैं हाँ, सीएमए में कोस्ट जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है क्वेश्चन मैनेजर अकाउंटिंग का, अकाउंट वैसे देखा वो बेसिक ही होता है अकाउंट का, कुछ खास नहीं होता, जो 11th 12th में पढ़ा वो ज्यादा वही दिया होता है, बस लास्ट के 2 या 3 चैप्टर जिसे अलग थे, बाकी निकल गया वो भी। CMA में तो मैंने देखा वो कंपनी लॉ वाला जो कुछ पार्ट बायबैक का भी आ जाता है, और यस कुछ सर क्वेश्चंस यस यस वो शेयर कैपिटल के सर भी आ मैंने ऐसे ही जाते करा हैं, था, लॉ के आ मैंने जाते पहले हैं। देख लिया था, मैंने देख लिया था कि हाँ कि इसके अंदर जो सीएमए का है थोड़ा बहुत पार्ट कंपनी लॉ का, मैं पढ़ता ही नहीं था, फिर मैं उसको स्किप करके आगे चला जाता था कि सर ने पढ़ाया तो है ही, क्यों ज्यादा मतलब कहते हैं इसके ऊपर अच्छा टाइम देना जी बढ़िया। मतलब और सर सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट थी, मतलब क्या था दिमाग में? किसी में ज्यादा नंबर लेने हैं, किसी में कम नंबर लेने हैं, मतलब कुछ था, कोई स्ट्रैटेजी बना रखी थी, इसमें 80 लेने हैं, इसमें 50 में भी काम चलेगा? ऐसे मैं स्ट्रेटेजी तो बनाता रहता था, बट क्या है कभी वो पूरी हो ही नहीं पाती थी मेरे से, बट क्या है कि हाँ मैं लगा रहता था। एंड टाइम पे हो गया था, मेरे पुलिस के एग्जाम आ ही गए थे, कहते पुलिस के एग्जाम मई में शुरू हो गए थे एंड में, अच्छा तो उसको मैनेज करना, फिर मैंने सोचा था कि यार क्या अच्छा करूं, मतलब जैसे कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, फिर मैंने फर्स्ट मॉड्यूल को प्रेफरेंस दी थी कि फर्स्ट मॉड्यूल में तो पास निकाल ही देना है, बट सेकंड मॉड्यूल में लास्ट में जाकर मैंने पढ़ा नहीं कि हाँ चलो देखी जाएगी, फर्स्ट मॉड्यूल को देते हैं प्रेफरेंस अपनी अब एक जी बड़ा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मई 2023, 5 महीने, दिन यस सर में यस कितने घंटे पढ़ाई होती थी? सच सर बताना सच मुझे। बोलूँ तो
हाँ झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैं सच में पढ़ता था, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं रेस्ट लेता था, वो करता था, मेरा ऐसा कोई काम नहीं था, मेरे को आदत थी कि रात में बैठ के पढ़ना, तो इसलिए मैं रात के 4 बजे तक पढ़ता था, मतलब सुबह हो ही जाती थी 4 बजे तक, लोग जो सुबह उठते हैं, फिर मैं सुबह 8 या 9 बजे उठता था, फिर उसके बाद 11 बजे फिर शुरू। अच्छा, मतलब 11 बजे सुबह पढ़ाई शुरू हो जाती थी और फिर 11 बजे से लेकर दिन शुरू हुआ सुबह 11 बजे और रात को 4 बजे दिन खत्म हुआ। यस अब सर, इस यस पूरे सर्कल में ये हो गए तुम्हारे पास 21 घंटे हो गए, या जो भी मतलब टाइम आ रहा है, कितने घंटे पढ़ाई सर, होती है? मतलब अगर मैं एक बार काउंट ही कर लूँ, 11 से 11 12 घंटे, 12 और 5 17 घंटे हो गए तुम्हारे पास। इस यस सर, 17 घंटे यस में कितने घंटे पढ़ाई होती होगी? सर, इस 17 घंटे में कम करते करते 12 तो हो ही जाते थे, क्योंकि मैं अपने पास एक टाइम लगा के रहता था कि हाँ इससे कम नहीं करना, क्योंकि एक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जरूरी, ग्यारह वरना बजे फिर जब अगर पढ़ाई शुरू करते थे, फर्स्ट शिफ्ट कब तक जाती होगी? ग्यारह सर 11 से 2, परसों से 11 से 2, उसके ठीक बाद लंच करने के बाद 3 से 5, अच्छा एंड देन उसके बाद 6 to 9, 6 to 9 या 10 हो जाते, उसके बाद 11 से, तो फिर रात को होता ही था। 11 to 5। और रात वाला वो जोन यस था, वो तो कोई कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो एक तो बार मतलब जब मैं अगर बात करूं ऐसे स्टूडेंट्स को, मैं बोलता हूँ ये स्टूडेंट्स ना उल्लू कैटेगरी के प्राणी, और एक हाँ मुर्गा उल्लू कैटेगरी का होते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यस जो सर सुबह जी 4 बजे सर उठ के अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं वो मुर्गा कैटेगरी होते हैं, एक जो यस सुबह सर 4 बजे सोते हैं वो उल्लू कैटेगरी होते हैं। रितिका से मेरी यस बात सर हुई अभी कल, ऑल इंडिया रैंक 8 जी इन सर यस सर प्रोग्राम, वो बता रही यस थी सर सर मैं मुर्गा कैटेगरी हूँ, तुम उल्लू कैटेगरी हो, जी सर लेकिन दोनों ही ऑल इंडिया जी रैंक लेकर आए हैं यस सक्सेसफुल। और सर इस जी सर आखिरी एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा। इस 5 महीने में यस सर पढ़ाई हो रही थी तो एक जी दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, या एक दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ते थे, या एक दिन में 3 सब्जेक्ट, या एक मतलब कैसे चलता था शेड्यूल? स्टार्टिंग में तो मैंने सब ट्राई करा था कि देखो क्या मेरे को सूट करता है पहले, बट देन मैंने देखा कि नहीं, पहले फिर क्या करते हैं, फिर मैंने सब 4 सब्जेक्ट को ऐसा रखता था कि 4 आज कर लिए फिर 4 कल, मतलब मान के चलो मैं अपने लिए सोचता था कि हाँ मेरे लिए दिन 48 आवर्स अच्छा है अच्छा इस ऐसे तरीके से। करके कि 2 इस तरीके तो से मतलब मुझे रितिका ने बताया कि सर मैं तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ती थी जनरली, फिर शेड्यूल में आया, दो सब्जेक्ट वाला भी किया, फिर तीन वाला भी किया, दोनों तीनों तरीके से हुआ। फर्स्ट रिवीजन चल रही थी तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे, और सेकंड रिवीजन चल रही थी तो 3 सब्जेक्ट्स पर डे। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा था शेड्यूलिंग? ना सर, जैसे कि मैंने मतलब सब्जेक्ट वो कर रखे थे, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि सब्जेक्ट को अलग अलग बांट रखा था कि जो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल रख लिया तो थोड़ा मुझे अच्छे से आता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा टफ रख लिया कि हाँ थोड़ा जैसे कि मैच हो जाए, कि मेरे को दिख रहा कि सर ये ना कि मेरे लिए इजी ना बने कुछ, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन में आगे फिर मैं लगे कि यार ठीक है चल तो रहा सब कुछ, अपने कंफर्ट जोन में कभी नहीं आया, मैं अपने आप को सोचता ना कि अपने टोस्ट पे रह गया। चलो फाइनली आज से मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब मैं सारे जो व्यूअर्स हैं उनको बोलूंगा कि आपको कुणाल से कुछ भी पूछना है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, मैं कुणाल को आगे भेजूंगा, कुणाल उसका जो रिस्पांस देगा मैं आपको वो आंसर पहुंचा दूंगा। तो आस्क यस सर कुणाल अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एनीथिंग एंड ही विल यस गिव सर आंसर पक्का। यस सर यस, मैं अभी भी कर ही रहा हूँ, मुझे आ रहे हाँ हैं मतलब मैसेजेस आ रहे हैं पूछने के लिए, तो मैं रिप्लाई देता हूँ, मैं मना नहीं करता, मुझे पता है कि यार स्टूडेंट को नीड है अभी, चलो तो थैंक क्यों यू मना वेरी मच करना। कुणाल, एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सर, वंस थैंक अगेन, और यू, फ्यूचर के लिए ऑल दी बेस्ट। वन लास्ट फाइनल वर्ड थैंक यू सर, तुम्हारी तरफ से, एक आखिरी वर्ड बच्चों के लिए। बस इतना कहूंगा ना चाहूंगा कि लगे रहो, अभी दिसंबर आने ही वाला है, ये ना सोचो कि रिजल्ट नेगेटिव आया तो ना कुछ और देख लेते हैं ये, बट लगे रहो, पढ़ना नहीं छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, बट यार